लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट, तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। मुमरा रेती बंदर पारसी केरिये में ओम साई टावर में रूम नंबर 603 में रहने वाले यूसुफ बदरुद्दीन जंगवाला के मकान में लगे टोरेंट पावर का मीटर फास्ट चल रहा है, ऐसा आरोप यूसुफ ने लगाया है। यूसुफ का कहना है कि टोरेंट पावर के द्वारा जो मीटर उनके मकान में लगाया गया है, 8 नवंबर की रात में देखा उन्होंने कि करीब 84 यूनिट था, जिसमें से एक ही रात में यूसुफ का ऐसा कहना है कि 51 यूनिट ये मीटर फास्ट चल रहा था, यानी कि 51 यूनिट ज़्यादा था। टोरेंट पावर के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी यूसुफ ने की है और यूसुफ से अधिकारियों ने बताया है कि उनके मीटर से बिजली चोरी हुई है, ऐसी आशंका जताई है। वहीं इस पूरे मामले में हमने टोरेंट पावर के PRO चेतन बधियानी से भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये शिकायत उनके पास आई और इसकी पूरी तरह तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वाकई में बिजली चोरी हुई थी। ये पूरा मामला जो है जांच पड़ताल इसकी की जा रही है और जल्द ही इसका हल भी निकाला जाएगा, ऐसी जानकारी चेतन बधियानी ने दी है। वहीं इस पूरे मामले में हमने यूसुफ बदरुद्दीन जंगवाला और उनके जो एडवोकेट हैं अब्दुल्ला पठान, उनसे बातचीत की है, क्या कहा है उन लोगों ने, सुनिए। यूसुफ भाई, टोरेंट के मीटर का फास्ट के लेकर क्या यूसुफ मामला है आपके यहाँ? जी सर, मेरा घर है ना, ये ओम साई टावर रेती बंदर सर्कल के पास है और वो ये 3 दिन के अंदर है ना, वो लोग ने मीटर लगाया और 3 दिन के अंदर यूनिट है ना 85 हो गया। फिर मैंने कंप्लेंट दिया तो उन्होंने है ना ये 2 बार चेकिंग के लिए भेजा, तीसरे दिन वो लोग लैपटॉप लेके आए, फिर उन्होंने मेरे को NRI रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट के अंदर एक ही रात में जो 8 तारीख है उसमें मेरा 51 यूनिट बता रहा है कि 51 यूनिट गिरा है। ये 51 यूनिट कितने घंटे में हुआ? ये रात का ही है, एक ही रात में। जी हाँ, ये देखो आपके साथ पूरा सामने रिपोर्ट है और उनका ये बोलना है कि बोले मैं जब उनसे ये पूछा तो वो खुद मेरे को बोलते चोरी हुआ है। अच्छा, मीटर आपको कितनी तारीख को लगा था? ये मीटर मेरा लगा था 30 तारीख का बता रहे हैं। 30 तारीख को, तो उन्होंने चोरी का बताया कि चोरी जी हुआ? बोले ये जो हुआ आपका 51 ये चोरी हुआ है। पर उनका पहले स्टार्टिंग में लोग जब टोरेंट कंपनी आए उनके जो भी AM GM ने क्या ये कहा था कि हमारे मीटर में से कोई चोरी नहीं होती। अभी उनके AM है जो चिराग करके है जो कलवा के ब्रांच में, उन्होंने बोला ये चोरी हुआ है। तो आपके मीटर से चोरी कैसा होगा? मेरे घर से जो 2.5 का पॉली केबल आता है वो पर्सनली केबल गया है मीटर के अंदर, घर से मीटर के अंदर, उसमें किधर भी छिला हुआ नहीं है। तो कैसे आप ये बता सकते हो चोरी हुआ है? ये उन लोग का मीटर एकदम फास्ट भाग रहा है। इसके लिए आपने कुछ कंप्लेंट? जी सर, मैंने एडवोकेट भी किया है और मैं एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, यूसुफ जंगबर वाला ये मेरे मौकिल हैं। इन्होंने राइटिंग में कंप्लेंट दी इस बारे में, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक ही रात में 51 यूनिट चला है, रिटर्न कंप्लेंट दिया है, टेस्टिंग रिपोर्ट भी उसके लिए भी अप्लाई किया, इनके साइट पे आके चेकिंग भी हुई है। अब ये बता रहे हैं दो बातें, एक तो ये कि बोलते हैं कि अर्थ लोड आया है, अर्थ लोड इन्होंने लिख के दिया है, तो क्या अर्थ लोड पर 51 यूनिट चलेगा? दूसरा, कोई थेफ्ट इन्होंने पकड़ा नहीं है, चोरी इन्होंने कोई पकड़ी नहीं है, अगर पकड़ी होती तो कार्रवाई करवा दे, तो कोई पकड़ी नहीं है, बोलते शायद हुई होगी। शायद क्या होता है, कन्फर्म बताए क्या हुआ, ये काम तो उनका है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और बताए कि क्या हुआ, क्योंकि 51 यूनिट किस हालत में चलेगा? कोई अगर चुराता है तो क्या उस हालत में वो 51 यूनिट इस्तेमाल करेगा? क्या इस्तेमाल किया होगा ऐसा उसने कि एक ही दिन में 51 यूनिट की रीडिंग आएगी? 8/11/2021 को 51.20 51 यूनिट चला है, क्या इस्तेमाल करेगा? कौन चोरी किया, क्या डाल दिया उसने 51 यूनिट एक ही दिन में? इसके चांसेस नज़र नहीं आते, और अगर है तो वो इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल रिपोर्ट दे। ये हमारा राइट है, ये कंज्यूमर होने के नाते ये हमारा अधिकार है कि हमें बताए कि क्या हुआ है। खाली ओरली ये चांसेस और ये सब बातें ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा ये ना करें। फिर मेरे क्लाइंट ने कहा कि अगर ऐसा आप बोल रहे हैं कि शायद किसी ने चुराया होगा तो ये मीटर मेरे घर के बाहर फिक्स किया जाए। उन्होंने इसके लिए इनकार किया, बोला नहीं मीटर तो नीचे ही रहेगा मीटर बॉक्स में। तो फिर बोले आप कहते हैं किसी ने चोरी किया होगा, वो भी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कुछ, और अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी हिफाजत करूंगा मेरे घर के बाहर फिक्स कीजिए मेरे डोर के नज़दीक, तो उस पर भी आप एग्री नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, कंज्यूमर के अपने कुछ राइट्स है, अधिकार है,
और उनके प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। अगर हमारी कंप्लेंट नहीं सॉल्व होती है तो आगे हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। हमने कंज्यूमर हेल्पलाइन में ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च कर दी है और उसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको ध्यान में देते हुए और इनकी भी जो डिटेल रिपोर्ट हमें इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने रिटर्न में भी कंप्लेंट दी है यहाँ पर। अभी आगे टोरंट के अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे? इसके आगे तो वो कुछ हमें सोल्यूशन दे ही नहीं रहे कॉन्क्रीट। वो आए, वो आगे चेक किए, लेकिन इफ एंड बर्ड्स में बात किए, कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन क्या हुआ, उनका मीटर फॉल्टी है या नहीं है। नहीं है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं इस बात को, और नहीं है तो फिर क्या हुआ उस दिन 8 तारीख के रात क्या हो गया, इतना कितना ज़्यादा चला है। हमने बाकी डेट्स की भी कुछ बातें रखी हैं सामने, लेकिन स्पेसिफिकली 8-11 की जो बात हुई कि 51 यूनिट जला है, उनकी कोई डिटेल नहीं है। यूसुफ भाई लगातार अपने घर की रीडिंग नोट कर रहे थे, क्योंकि इनका नया घर है, नया मीटर है, तो बराबर ऑब्जर्व कर रहे थे। उनकी ऑब्जर्वेशन में ये बात आई, उन्होंने तुरंत जाके कंप्लेंट की राइटिंग में और मीटर टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन टोरेंट पावर अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए या उनका डिवाइस फॉल्टी है उसके लिए भी तैयार नहीं है। क्या हुआ ये भी पता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक्शन भी लेने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट हो।